और जी गाड़ी में है हमारे एक चूहा और ये है जी हमारा सामान। सुबह सुबह उठ के बालकनी में थोड़ी देर वॉक करके बहुत ही फ्रेश फील होता है यार। एटलीस्ट आधे घंटे ना आप बालकनी में या फिर रोड पे वॉक कर लो। जिम तो नहीं जा पा रहा बट या वॉक करके अच्छा लगता है। कूप्स क्या कर लीजिए तू, कहाँ से ली थी हाँ, इतने दिन क्या की? अब बेचारी बारिश के वजह से ना ये भी बाहर घूमने नहीं जा पा रही, अदरवाइज नॉर्मली इसको भी वॉक करने और सुसु पॉटी करने बाहर जाती है, बट क्योंकि बारिश हो रही है तो ना पूरी किचड़ किचड़ हो जाएगी, मिट्टी में चले जाती है ना, लौटने लगती है मिट्टी में, पूरे शरीर में मिट्टी लगा लेती है। उसके बाद फिर आके नहलाओ फिर इसको प्रॉब्लम होती है। एक पगलेट सुन, एक पगलेट सुन सुन ना, तेरा नाम पगलेट है क्या? क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? नहीं अभी फिलहाल चाय। चाय बना नहीं पागल। क्या बना रहे हम? क्या बना रहे हम का मतलब है कि मैं खड़ा रहूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम चाय बनाओ। चूहा है, चूहा दिखा, इतना बड़ा चूहा है, इतना बड़ा चूहा है। चटा खा जाएगा यार, दो मेरे स्वाति के पैर के ऊपर से ये। इस कुत्ते का कैमरा बंद करवा, तोड़ दूंगा तुम्हारा फोन। तो ठीक है, चूहा निकालने की बजाय मेरा वीडियो बना रहे थे यार, वो अंदर चला गया ना। बहुत मोटा चूहा है यार, मजाक मत करो। अभिषेक भैया की दुकान पे ले जाते हैं इसको, निकलवाओ कैसे भी करके। मैं नहीं रह रहा तुम्हारी गाड़ी में, मैं नहीं जा रहा। बहुत बड़ा चूहा है यार, बहुत मोटा है, इतना बड़ा है और इतना मोटा, चढ़ा हाथी जैसे मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया भैंसा सांडा। कर के रहा था यहाँ पे पानी पी रहा था, कैसे निकलेगा पता नहीं, कैसे निकलेगा यार। ये अभिषेक भैया की दुकान से ना मजाक नहीं, तारे काट देगा ना। तो यहाँ पे गया है, अब देखो हमें पता है यहाँ से पीछे तो नहीं जा पाएगा, यहाँ से पीछे जा पाएगा? आराम से जा सकता है। तुम पता है क्या करो, गाड़ी को ना पानी में डुबा दूँ? नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल हम निकले हैं कुछ खरीदने। अब क्या खरीदने? तो हुआ क्या कि भाई जब मैं ट्रिप से आया तो मैंने देखा कि मेरा जो टावर स्पीकर है जो मेरे टीवी के साथ कनेक्टेड है वो काम ही नहीं कर रहा। 10 मिनट तो नहीं, बारिश तो काफ़ी टाइम से हो रहा है, बट यही है ना, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो ये है सोनी का, विच इज़ फॉर 45,000, बट इसमें है कि टावर स्पीकर साइड में है, तो अभी देखते हैं। अब क्या है ना कि इस बार मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जिस टाइम पे ट्रैवल कर रहा हूँ उसी रात को एडिट करके नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड कर दूँ, बट क्योंकि अपने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो फिलहाल कर रहे हैं अपन एडिटिंग। और जी वर्क स्टेशन के पास हरियाली, यार ये तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि इस बार जब हम कैंपिंग के लिए गए थे तो मैं अपने साथ कैरी कर रहा था मामा अर्थ के उपटन रेंज। सो मामा अर्थ के उपटन फेस वॉश से फेस क्लीन करने के बाद आई यूज़ दिस मामा अर्थ फेस सीरम, जो एकदम छोटू पैकेट बड़ा धमाका है। इस बार ट्रिप पे मैं अपने साथ ना फेस क्लेंजिंग मिल्क भी ले गया था, जो कि बहुत ही सही है, बिकॉज वहाँ पे हमें पता था कि वहाँ पे एक्चुअली पानी कम मिलने वाला है, फेस वॉश शायद यूज़ करने का मौका नहीं मिल पाए, तो उसका अल्टरनेटिव था फेस क्लेंजिंग मिल्क। अब इस फेस सीरम के 4 प्राइम इन्ग्रीडियंट्स हैं, टर्मरिक, सैफ्रॉन, नायसिनमाइड एंड सोयाबीन ऑयल। टर्मरिक अपने स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से, प्लस इट ऑल्सो ब्राइटन अप द स्किन। सैफ्रॉन इज द पावर हाउस ऑफ वाइटमिन्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। सैफ्रॉन आपके स्किन को एक नेचुरल रेडियंस ग्लो देने में बहुत हेल्प करता है। नायसिनमाइड एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डार्क स्पॉट, प्लस इट ऑल्सो गिव्स ए इवन टोन टू योर स्किन। और ये फेस सीरम बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है,
तो प्रॉपरली आपके फेस में ना इवनली एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ग्रीजनेस वो ऑयलीनेस आपको फील नहीं होती। अब मामा अर्थ के बाकी रेंजेस की तरह उपटन रेंज भी एक्चुअली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, प्लस इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फेट पैराबीन्स कोई एडिड कलर्स नहीं है, प्लस ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। मामा अर्थ इज ए प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। एवरी मंथ दे रिसाइकिल ऑलमोस्ट मोर देन 120 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक, जहाँ पे एक मेट्रिक टन इज इक्विवेलेंट टू 1000 केजीज। प्लस द प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जहाँ पे कुछ भी आप मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज करते हो ये ऑर्डर गेट्स लिंक्ड टू ए ट्री। By year 2025, they are planning to plant 1 million trees. Mama Earth के सारे products आपको Amazon, Nike, Flipkart हर जगह available है। But अगर आप Mama Earth के official app या website से कुछ purchase करते हो और मेरा coupon code Vikash2021 use करते हो, you get additional 20% off. सारा link description box में, go check it out, buy something for yourself. तो मेरी गाड़ी से निकाल लेंगे ना bottle? तो जी हम वापस से घर से निकल रहे हैं क्योंकि उस समय जो हमने speakers देखे थे हमें एक समझ में आ गया और वो बहुत ही ताबड़तोड़ था। फिलहाल गाड़ी से पानी निकालते हैं। और जी गाड़ी में है हमारे एक चूहा और मुझे ये डर है कि वो कहीं कुछ काट ना दे, इसलिए ये गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं। इस पर ट्रैप लगाया हमने, इसको बंद करो। और एक तो बारिश हो रही है तो भैया छोटी गाड़ी बेस्ट है। टाइम हो रहा है फिलहाल, कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:40। मेरा जो टावर स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा है, तो अब वो काफ़ी पहले लिया हुआ था, आई थिंक जब इस घर पे आए थे 3 साल पहले, तो 3 साल हो गए थे और अचानक से वो काम करना बंद कर दिया। अब क्या है ना भाई कि फ्री टाइम पे कभी कभी मैं नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के वीडियोस प्ले कर लेता हूँ और टीवी के इस ना स्पीकर्स में उतना मज़ा आता नहीं है, तो अपन ने सोचा वाई नॉट गेट ए न्यू स्पीकर्स और वो भी अच्छा। गलत गाड़ी तो नहीं लेके आ गए? मैं तो बोल ही रहा हूँ, देख लो अभी भी जहाँ जाना है वहाँ पे जाएगी भी। हाँ जाएगी तो सही सलामत आ जाएगी ना, देख लेंगे। उड़ता तीर तो वैसे भी लेने की आदत। हाँ तो आ जाएगा, देखो वो हो गया, डर हो गया चूहे का। नहीं नहीं, चूहे के लिए अपना लगा दिया है भाई, वो उसको निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो मेरा इतना लंबा जो ट्रिप है 1 महीने का वो उसके वजह से ना कुछ पंगा हो जाए, क्योंकि अगर उसमें वायरिंग काट दी ना, पेट्रोल ही नहीं है इसमें तो वो भी डलवाना पड़ेगा। मैं सोच के जा रहा हूँ कि उधर जाके मेरे को स्पीकर सस्ते पड़ रहे हैं, यहाँ तो मेरे को इसमें फुल टैंक डीजल कराना पड़ रहा है। तो बहुत चालू है ना, हाँ तुम्हारी भी तो गाड़ी है ना। हाँ मैं चलाता कितना हूँ, आज जो जाम है ना वो रोड पे ट्रैफिक के वजह से नहीं है, रोड पे वाटर लॉगिंग के वजह से, बॉटल नेक के वजह से, क्योंकि देखो अब उस साइड कोई चल नहीं रहा, चाहे उस साइड कितना ही कम पानी हो लेकिन हर एक बंदा सोचता है चल यार पानी में क्यों ले जाए, जबरदस्ती का क्यों रिस्क लें। ये भैया अरे रे 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 भाई साहब क्या खाए हैं भैया, गजब। मतलब वो 5 मिनट से वहां पे खड़े हुए हैं, हम बहुत डोल रहे हैं और सबको ना ऐसे छड़ी दिखा रहे हैं, इधर से जाओ उधर से जाओ। पार्किंग मिल गई और ये है जी हमारा सामान इतना बड़ा सा। अब चलते पहले घर, उसके बाद करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। खुश खुश तुम्हारे लिए है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। हाँ। अनिवर्सरी तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट, अगले साल का बर्थडे गिफ्ट, अगले साल का बर्थडे गिफ्ट है तुम्हारा। 1 hour 8 minutes 36 किलोमीटर, मतलब आज का जिम मिस हो जाएगा यार। चलो कोई नहीं, ये इम्पोर्टेंट था भाई। जब जल्दी घर पहुंचने का मन कर रहे हैं तभी साला ट्रैफिक जाम लग रहा है, और मन कर रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक वेक कर दूं, इन 2000 रुपए का चलान आ जाएगा। ऐसा लग रहा है ना कि 2 million साल से हम लोग गाड़ी में ही बैठे हैं, चले ही जा रहे, पता नहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। नींद आ रही बड़ी है, ऑटोमेटिक हो या मैनुअल, थक गए। यहाँ से घर जाके ना, नहीं पहले घर नहीं, पहले इसका ना यार, ये एक्चुअली बहुत बड़ा है यार। अब कितना बड़ा है ना वो तो मैं खोल के जब आपको अभी दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, तो इसके लिए टेबल भी अलग से चाहिए होगा। तो जी अपन आए हुए थे यहाँ वुड मार्केट, फर्नीचर मार्केट में गुड़गांव में, बिकॉज अपने को उसका चाहिए था टेबल। अब यहाँ अरे यार कितना हॉर्न बजाते हैं लोग। अब देख तो लिया लेकिन क्या है ना कि भाई अभी बरसात है तो पॉलिशिंग वॉलिशिंग अभी हो नहीं सकता, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बाद में आएंगे। यस बाद में आएंगे, चलो अब घर चलते हैं। हाँ जाओ 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 अनबॉक्सिंग कर दो ना। अच्छा, अच्छा।
अनबॉक्सिंग कर दो। अरे वो चढ़ जाएगी उसके ऊपर। अभी क्या है ना भाई के, अरे यार ये वाली जो लेंथ है ना टेबल की, ये छोटी पड़ी है। तभी हम एक्चुअली ना उस शॉप पे गए थे। सो जी हमने क्या किया, ये 9.1 चैनल है सो, और ये डॉल्बी एटमॉस पता नहीं क्या है, मतलब जो बेसिकली हर तरफ से ऊपर से हेलीकॉप्टर जाएगा तो ऊपर से आपको आवाज़ आएगा, तो वो तो उतना तो भाई टेक्निकलिटी अपने को पता नहीं है। तो ये इसका रिमोट है और ये इसका सबवूफर है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी बड़ा है। तो अब इसको तो आपने प्लेस कर दिया, अब क्या है ना भाई कि इसके साइड में ना ये चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो जो अपने जो पीछे जो स्पीकर्स है ना, मतलब जो साइड में लेफ्ट राइट के लिए, एक यहाँ पे रख दिया, एक वहाँ पे रख दिया। इसको पावर ऑन कर सकते हैं जी, ये पावर ऑन हो गया। उधर से पावर, हाँ रेड बटन जल रहा है या ब्लू हो गया ना, तो एक दोनों अपन ने यहाँ पे रख दिया। इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं, प्लस इसको यूएसबी से चार्ज ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अगर नहीं चार्ज करना है तो ये वापस से इसमें लग जाएगा, लेकिन अभी लटकाएंगे, मतलब लगाएंगे तो लटक जाएगा क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं है भाई। सो जी फाइनली थोड़ा सा मेहनत में शक्कत करना पड़ा और सेटअप हो गया, तो अभी बड़ा सही सेटअप हुआ है। थोड़ा सा एक दो यूट्यूब वीडियो देखा। अब ये मैंने लिया कितने का, तो ये मैंने ऑनलाइन देखा तो ये 90,000 रुपीज़ का था, 89,990 रुपीज़ का। सुबह जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वहाँ पे मुझे 1,500 डिस्काउंट, मतलब वो 87,000 के आसपास था। मॉर्निंग्स को भी गाड़ी में चूहा पकड़ा गया, हम लोग चूहा को देखने जा रहे हैं। हाँ ड्राइविंग सीट पे था। हाँ ओ भाई साहब। सो जी फाइनली चूहा देखो यहाँ पे है, ये रहा चूहा। अब ये हिल रहा है, इसमें चिपक गया है एक। सुना आई थिंक दो तीन चूहे हैं यार, क्योंकि कल जो चूहा दिखा था वो बड़ा था।